नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो राष्ट्रपति चुनाव पर लगातार सबकी निगाहें हैं और इसके लिए वोटिंग भी सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। क्या है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बता दें। दरअसल इस पर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, आज तय हो जाएगा लोकतंत्र बचेगा या नहीं। देखिए, यशवंत सिन्हा ने कहा है कि आज तय हो जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें, यशवंत सिन्हा ने कहा है। विपक्ष के उम्मीदवार हैं, यूपीए के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, और आज उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज तय हो जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। इससे पहले भी यशवंत सिन्हा चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई तरह के बयान जो हैं जारी कर चुके हैं, और आज उन्होंने लोकतंत्र बचेगा या नहीं इतना बड़ा बयान दे दिया है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने की अपील भी यशवंत सिन्हा यहां पर करते नजर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि आज ये तय हो जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं। अब वो किस और इशारा कर रहे हैं ये आप भी समझ सकते हैं। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी ने वोट डाला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम ने वोट डाला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 21 जुलाई को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है उम्मीदवार। इधर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर दांव लगाया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर थोड़ी देर में वोट डालेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थोड़ी देर में वोट डालेंगे बताया जा रहा है। हरियाणा में एक विधायक की वोट वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो 112 है। 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 40 सदस्य हैं, कांग्रेस के पास 31 सदस्य हैं। कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं और जिस तरह से निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए का पलड़ा कितना भारी है। तो बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव पर एक तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार का भी बयान जो है वो सामने आया है। अपने अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा के समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया। इस वक्त के चुनाव में लगभग स्थिति एक तरफा है। सारे देश में जो अंक गणित है, वोटों का गणित है, बहन द्रौपदी मुर्मू के हक में है और खुशी खुशी लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी परिवार से, उड़ीसा के दूर के इलाके से निकल करके जिसने बड़ी संघर्ष भरी जीवन जिया है, तो उसको ज्यादातर राजनीतिक लोग राष्ट्रपति भवन में बैठा करके खुश है। सर, एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है उपराष्ट्रपति के चुनाव पद के लिए, तो क्या कहेंगे सर इस उम्मीदवारी पर आप, और विपक्ष के उम्मीदवार का भी नाम का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के किसानों के चेहरे पर इस बात की खुशी है कि एक किसान परिवार का बेटा पहली बार जो है इस पद पर पहुंच रहा है। हमारे तो खासकर मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे पड़ोस का क्षेत्र है झुंझुनू, लोहारू से मैं आता हूं। हमारी बाउंड्री झुंझुनू जिले से लगी हुई है और हमारा इलाके के लोगों की रिश्तेदारियां, आना जाना सब उनके संपर्क में है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने बार काउंसिल के चेयरमैन, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अच्छा प्रतिष्ठित वकील के तौर पर काम किया।
और पिछले मुझे याद है कि जाट आंदोलन के वक्त में जो हमारे आंदोलनकारी लोग थे उन्होंने कहा था कि हमारा भरोसा जगदीप धनखड़ जी पे है। तो मैं समझता हूँ कि सर्व समाज, सारे लोग, सारे हरियाणा के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि आज एनडीए ने जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद। का जिक्र करते हुए यहाँ पर आप सुन रहे थे। और अभी आज की अगर हम बात करें तो आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने वोट डाला, गृहमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जो प्रक्रिया है ये शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। और एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो मुकाबला है, ये जो टक्कर है आमने सामने की, वो द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं और उनके सामने यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है। और इस बीच यशवंत सिन्हा की तरफ से एक बयान भी सामने आ गया, उन्होंने कह दिया कि आज तय हो जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं। अब देखिए ये बयान उनका किस तरफ इशारा कर रहा है, आप खुद समझिए, क्योंकि वो खुद यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। अगर वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट दे, सर नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है बट इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स, एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी पर वो लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी कल मार्गरेट अलवा को कैंडिडेट बनाया विपक्ष ने, आपकी पार्टी से। निचली विपक्ष के अंदर, राज्यसभा के अंदर काफी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अलवा चुनाव लड़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए यूपीए की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सिद्धांतों की लड़ाई है, इसे सिद्धांतों की लड़ाई वो बता रही है। और कहीं ना कहीं बार बार जिस तरह की बयान सामने आ रहे हैं पार्टी की तरफ से, यशवंत सिन्हा की तरफ से, उनको सुनकर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक तरफ से यूपीए भी इस बात को समझ रहा है कि पलड़ा भारी एनडीए का है। बावजूद इसके ये चुनाव, मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध थे उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है, मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। और देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ देर में खास पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। रवि सीधे रुक कर रही हूं आपका, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है, मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात की जाए तो 25 से 28 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो ऐसे में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो भी अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके पास जो नंबर्स हैं वो पर्याप्त नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं वो इस इलेक्शन को आराम से जीत जाएंगे, इस प्रकार की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो कह रहे हैं। और साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात करूं सृष्टि आज की, तो कांग्रेस की 1 बजे के आसपास जो है विधायक दल की बैठक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ये बैठक होने वाली है और बैठक के बाद करीब 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो वोट कास्ट करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार उनका वोटों का जो वोट डालने का जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम जो विधायक है वो अपना वोट कास्ट करके अपने अपने गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक अलग रणनीति इसमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो 3 बजे के आसपास है वोट कास्ट करने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायक एक साथ, जो 30 विधायक जो बताए जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट डालेंगे, 31 नंबर्स जो कांग्रेस हैं उसके पास हैं हरियाणा में, और ऐसे में 30 विधायक विधानसभा में वोट डालेगा और एक विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली संसद में वोट डालेंगे। कहा यही जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार को पक्ष में वोट डाला था, इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और विधानसभा की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कोई विधायक नहीं पहुंचा है सृष्टि, वोट अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी ने नहीं डाला है, लेकिन कांग्रेस के 2 एजेंट जो हैं एजेंट बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा के कैंडिडेट की तरफ से, और उनकी तरफ से वो 2 विधायक यहाँ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। लेकिन 3 बजे के आसपास जो है तमाम विधायक आएंगे, कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी किस प्रकार से, क्योंकि नंबर्स उनके पास 31 हैं, 30 विधायक उनके वोट डाल सकते हैं जो है एनडीए के माफ कीजिएगा यूपीए के उम्मीदवार के पक्ष में, और एक विधायक कुलदीप बिश्नोई हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको तमाम विधायक हैं, जिस प्रकार से डिनर डिप्लोमेसी की बात की जाए सृष्टि, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के समेत तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं जिनको सरकार का समर्थन प्राप्त है उनको बुलाया गया था, वैसे ही कांग्रेस के तमाम विधायकों को एक विधायक दल की बैठक में बुलाया गया। तमाम विधायकों को समझाएगा आपकी प्रेफरेंस किस हिसाब से रहनी चाहिए, आपका वोट जो है किस प्रकार से आपको कास्ट करना है, किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, तमाम विधायकों को विधायक दल की बैठक में समझाया जाएगा। उसके बाद 3 बजे के आसपास तमाम विधायक विधानसभा पहुंचेंगे अपना वोट कास्ट करने। जी चलिए ठीक है, रवि आप बने रहिए, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका भी परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए हैं, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं दिलीप यशवर्धन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, तैयार थी बीजेपी तो सुबह 10 बजे की टाइमिंग थी, पहले ही पहुंच गई, वोटिंग डाली जा रही है, वोटिंग की जा रही है, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, उन्होंने भी वोट किया, ओपनिंग रिएक्शन सर सबसे पहले। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आजादी के अमृत वर्ष में हो रहा है, और आज भारत के राष्ट्रपति पद के लिए देश और देश के वो चुने हुए प्रतिनिधि जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का हक होता है, वे एक ऐसी प्रत्याशी के लिए मतदान करने जा रहे हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, अर्थात अब तक के जितने राष्ट्रपति हुए वो सबके सब स्वाधीनता से पहले जन्मे थे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति होंगी, ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, और उनका जीवन वो धरातल से एक बिल्कुल साधारण गरीब वंचित जनजातीय क्षेत्र में परिवार में जन्मी एक महिला जो अपने दम पर विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए देश के सर्वोच्च पद की तरफ बढ़ रही हैं, उनका जीवन पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहने वाला है, और उनका चयन अपने आप में सबके लिए प्रेरणा की बात है, और हमको उम्मीद है जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने राष्ट्रपति के पद को धन्य किया अपने कार्यों से, जो अपने आप में लीक से हटकर एक प्रकार का चयन था एक प्रत्याशी के रूप में, ठीक उसी अंदाज में भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति, महिला सशक्तिकरण और गरीब वंचित तबके के सशक्तिकरण के क्षेत्र में 5 साल के लिए दमदार मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के कार्य करेंगी भारतीय जनता पार्टी। आपको आपने स्वयं कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन में कोई कहीं किसी प्रकार की शंका संदेह नहीं है, उन्होंने सब राज्यों में जाकर के सब मतदाताओं से अपने अंदाज में वोट की अपील की है। हमारे प्रतिपक्षी हमसे बहुत पीछे हैं, अगर मतों की गणना के अनुमान पर भी आप जाएं, एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है, और आप जानती हैं
कि एनडीए से बाहर के कई दल, अनेक जनप्रतिनिधि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चयन से जो प्रसन्न हैं, जिनको लगता है ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, वे यूपीए का कुनबा छोड़कर भी, यूपीए में होते हुए भी श्रीमती मुर्मू के साथ, बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं। ये प्रजातंत्र की जीत है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं। केवल जी, अगला कमेंट मैं आपसे चाहूंगी और सवाल मैं ये भी करूंगी कि हम देख रहे हैं एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की खास तौर पर अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। क्या रणनीति है, इसके पीछे वजह क्या है सर? तो केवल ढींगरा जी से संपर्क टूट गया है। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आज हो रहे राष्ट्रपति पद के लिए इस चुनाव को? सृष्टि जी, अभी डिबेट शुरू होने से पहले यशवंत सिन्हा जी का स्टेटमेंट आप सुनवा रही थी, जहां वो कह रहे थे कि आज प्रजातंत्र के बचने की उम्मीद है, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मेरा जो वोटर है आज वाले इलेक्शन में, वो वोटर जैसे सब प्रजातंत्र नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र के द्वारा इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का चुनाव है, पर डायरेक्टली प्रजातंत्र का चुनाव नहीं है। जितने भी एमपी एमएलए होते हैं दोनों सभाओं के, वो आज वोट करते हैं। और बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जिसके जितने ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे जिस अलायंस के, चाहे वो एनडीए के हो चाहे वो यूपीए के हो, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। अगर हम देखते हैं, बेयर रीडिंग करके देखते हैं, तो जो एनडीए है, एनडीए के पास इस समय चुने हुए विधायकों की और सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे राज्यसभा की बात कर लें, चाहे लोकसभा की बात कर लें, चाहे हम लोकल असेंबलीज की बात कर लें। तो जब चुने हुए प्रतिनिधि एनडीए के पास ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वही इस देश को अगले राष्ट्रपति के रूप में मिलने वाली हैं। अब ये एक बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो क्रॉस वोटिंग में एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद नहीं है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग एनडीए के फेवर में होने की उम्मीद ज्यादा है, जैसे अभी कुलदीप बिश्नोई जी की बात आप कर रही थी, जिन्होंने पहले भी किया था और आज भी उम्मीद है कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। इस तरीके से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं यूपीए के जो एनडीए के फेवर में तो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन एनडीए का शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट है, क्योंकि एनडीए ने अपने जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस में ले रखा है, चाहे जिस तरीके से साम दाम दंड भेद चारों विधियां अपना करके उन्होंने अपने कैंडिडेट को, चाहे वो एमपी या एमएलए हो, सबको कॉन्फिडेंस में ले रखा है और क्रॉस वोटिंग होने की कहीं कोई उम्मीद लगती नहीं है। तो 99.99% जो इलेक्शन है वो एनडीए के फेवर में ही जाने वाला है और द्रौपदी मुर्मू जी ही इस देश को नए राष्ट्रपति के रूप में मिलने वाले। 99.99% आपने कह दिया। राजकुमार सिंह जी, आपका ओपनिंग कमेंट लूंगी, फिर उसके बाद केवल ढींगरा जी के पास जाऊंगी। देखिए सस्ते जी, मैं सीधे तौर पर कहूँ तो 101%, हालांकि सावधानी के तौर पर मतदान और मतगणना से पहले नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा ये नंबर गेम है और नंबर गेम सीधे सीधे इतने ज्यादा स्पष्ट तौर पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है कि नतीजे में उलटफेर की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनने जा रही है। औपचारिक मतदान आज होना है, मतगणना 21 तारीख को होनी है और उसके बाद उनके विजय की घोषणा हो जाएगी। तो मुझे कोई संदेह नहीं है, उम्मीदवार दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन नंबर गेम का मामला है और नंबर गेम में एनडीए के उम्मीदवार बहुत आगे हैं यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, हरियाणा की अगर बात करें प्रदेश की, तो कांग्रेस का कोई भी विधायक अभी तक नहीं पहुंचा है वोट डालने के लिए सर, अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हुई क्या आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी विधायक दल की मीटिंग है 1 बजे और उसके बाद जो है सभी जन इकट्ठे वोट डालने जाएंगे और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आवास पर ये मीटिंग है 1 बजे और सभी वहां पे इकट्ठे होंगे और फिर उसके बाद सभी लोग वोट डालने जाएंगे। क्या चर्चा होगी, कहीं वोट रद्द ना हो जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसको लेकर चर्चा हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सभी परीक्षित विधायक है, सबको मालूम है वोट किस तरह से पड़ती है
गलती होना स्वाभाविक होता है, हर कोई भी काम करता है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, लेकिन सभी लोग जो है यूपीए के पक्ष में जो है वोट देंगे, और जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज सुनकर, हो सकता है कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज सुनकर भी वोट दे दें, तो हो सकता है कि क्या स्थिति रहेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर द्रौपदी मुर्मू की चर्चा है और यशवंत सिन्हा जी की चर्चा बिल्कुल गॉन है, खत्म कर दी, कि वो हारे हुए हैं, नकारे हुए हैं, ऐसे कर दिया, ये मीडिया में चर्चा है। अभी राजकुमार सिंह जी को भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि सारे देश में जो है द्रौपदी मुर्मू 101% चुनी जा रही है, हो सकता है चुनी जा रही हो, लेकिन मैं ये कह सकता तो हूँ कि हमारे देश में चल क्या रहा है। हाँ हाँ है ना, मैं तो कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, मैं राजकुमार सिंह जी के व्यू को अच्छी तरह से मान रहा हूँ और मानना भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी अंतरात्मा की आवाज है। तो मैं ये भी कहता हूँ देश की अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए। हमारा देश आज 80 रुपए डॉलर के हिसाब से चला गया, हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ गई, हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है बड़ी चरमरा गई, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे देश के अंदर आज जो है बहुत बुरे प्रदेश के अंदर हालात है, उसके ऊपर भी समझदारी होनी चाहिए, अंतरात्मा वहां भी जागनी चाहिए, तो ऐसे विचार भी रखने तो चाहिए कि हमारे देश में जो हो रहा है, हमारे देश में जो हमारे जो सुनिए ना, हमारे जो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो इस समय जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लूट रहे हैं, हमारे जो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है, उनको लीज पे दिया जा रहा है, लोगों के हवाले किया जा रहा है, और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको रजाया जा रहा है, और भगोड़ों को यहां से जो पैसे। ढींगरा साहब चर्चा तो चर्चा राष्ट्रपति पद के लिए हो रही है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से हाँ, राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, तो वो चुनने के लिए अंतरात्मा की आवाज भी इस तरह से सोचनी चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है और हम बात क्या कर रहे हैं, और हम अंतरात्मा की आवाज किधर को सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि लोग जो है लोकतंत्र है, जीते हुए उम्मीदवार वोट करते हैं, वो तो करेंगे, लेकिन ये भी विचार साथ साथ देना चाहिए कि हमारे देश में इस समय स्थिति क्या है और कैसी चल रही है, यह भी पत्रकारों की एक फोर्थ स्तंभ है ना, तो चौथे स्तंभ की भूमिका निभानी चाहिए। वीरेन जी, सृष्टि जी, धींगड़ा जी आपको उपदेश दे रहे हैं कि चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभाए, उनकी जरूर सुनिएगा, मेरा विनम्र अनुरोध आपसे है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब पूछे गए प्रश्न के इधर उधर की बात करते हैं, तो उससे ये साफ होता है कि इनके पास आज के विषय पर, डिबेट के विषय पर कहने को लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। कांग्रेस से आपने पूछा रणनीति क्या है, क्या रणनीति बना रहे हैं इनके विधायक वहां बैठकर, अभी तक वोट डालने नहीं आए। बहुत कड़वी सी और सीधी सपाट हकीकत ये है कांग्रेस की, ये रण में ही नहीं है और नीति रहित है, नीति विहीन है, नीतिहीन है, रेदर ये कहना चाहिए। इनकी लीडरशिप ऊपर से नीचे तक कंफ्यूज है, ये साफ तौर पर हाल ही के कांग्रेस के निर्णयों से, चुनाव परिणामों से और इनके संगठन की जमीन से लेकर के 10 जनपद तक जो दुर्गति है उससे साफ साबित होता है। हमें गर्व है कि हमने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो सामाजिक परिवर्तन की पर्याय है, जिनका जीवन विषम परिस्थितियों में से होकर गुजरा है, धरातल से उठी है, बिल्कुल समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए एक परिवार में जिनका जन्म हुआ, जीवन में व्यक्तिगत विषमताएं भी आई, उन सबका हंसते हंसते सामना किया, जीवन में एक ऐसी स्टेज भी आई जब डिप्रेशन में चली गई, बहुत लोग उस मोड़ पर जाकर के कभी उठ नहीं पाते, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उस संकट में से भी उभर कर समाज के लिए अपना जीवन जीने वाली शख्सियत है, वे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेंगी, और आजादी के बाद जो हमारा गठबंधन है एनडीए, उसको 2 बार राष्ट्रपति देश को देने का अवसर मिला है।
अब तक श्रीमती मुर्मू से पहले हमने डॉक्टर कलाम दिए। एक वाक्य मैं पूरा कर दूं। जी जी चलिए ठीक जी, मेरी बात तो अधूरी रह गई ना, केवल जी को आपने समय खूब दिया, मुझे पूरा कर दीजिए। मुझे सिर्फ ये कहना, एक वाक्य कह लेने दीजिए। ठीक है, देखिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आ जाइएगा लौट के, आपको आना हो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी के बाद हमारे गठबंधन को दो बार इससे पहले राष्ट्रपति देने का, नामित करने का, निर्वाचित कराने का अवसर मिला। हमने डॉक्टर कलाम दिए, हमने कोविंद साहब दिए, दोनों के दोनों व्यक्तित्वों ने बहुत गरिमापूर्ण ढंग से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा खींची गई लकीर से भी लंबी लकीर आने वाले 5 वर्षों में खींचेगी, हमको विश्वास है। ये प्रजातंत्र की जीत का पर्व है, क्योंकि चुने हुए लोगों ने राष्ट्रपति को चुनना है। ये देश की जनता के मन की अभिव्यक्ति है, जो आज विधायक और सांसद करने वाले हैं। ठीक है सर। केवल जी, मेरे पहले सवाल का आपने जो जवाब दिया उसको मैं ढंग से समझ नहीं पाई थी। अब मेरा दूसरा सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि आज तय हो जाएगा प्रजातंत्र बचेगा या नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं वो, कैसे तय हो जाएगा? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको पहले वक्तव्य में बताया, कि हमारा देश जो है आज कहाँ पे खड़ा है, उसमें लोकतंत्र का सिस्टम कितना, किस तरह से चल रहा है, और उसमें जो हमारी महंगाई, हमारा जो इस समय हर चीज के ऊपर जीएसटी को थोपना, आप देखिए आटा, नमक, दाल किस तरह से आज ही उसकी लॉन्चिंग हुई है, आज ही आम लोगों के ऊपर कितनी महंगाई का बोझ पड़ेगा, कि जिससे आटे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, एक नॉर्मल दही दूध जो बंदा लेता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जिस तरह से लोकतंत्र का सिस्टम जो है बिगाड़ा जा रहा है, तो जिस तरह की उन्होंने बात भी कही है और ये सारा देश भी देख रहा है, कि आज की डेट में हमारा जो स्तंभ है उनको आजादी नहीं है, उनको बात करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है, कि अगर जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर एक्शन हो रही है, प्रजातंत्र बच जाएगा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं? नहीं देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता, हर आदमी की अपनी बात कहने का तरीका है। हमारी पार्टी का इनके प्रत्याशी कह रहे हैं, उस उम्मीदवार को वो है जिसने अपनी बात रखी है और अपनी मीडिया के माध्यम से बात रखी है कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर मुझको वोट मिलती है तो मैं रबड़ स्टैंप की तरह काम नहीं करूंगा। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है, इसलिए कह रहा हूं मैं। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहूंगी, बार बार कहते हैं रबड़ स्टैंप, रामनाथ कोविंद के कार्यकाल पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, अब कह रहे हैं कि प्रजातंत्र बचेगा या नहीं ये तय हो जाएगा। देखिए, ये रबर स्टैम्प जैसा जुमला हर राष्ट्रपति चुनाव में कभी ना कभी उठता रहा है, और मेरा मानना है कि एक पद की गरिमा को अगर हम देखें तो हमें ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। राष्ट्रपति भी व्यक्ति होते हैं, उनको अपने संवैधानिक सीमाओं में, दायरे में, अधिकारों के क्षेत्र में काम करना होता है, उसमें हर व्यक्ति का विवेक के हिसाब से अपना आचरण हो सकता है, आप उसके हिसाब से टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे पद की गरिमा को लेकर के रबर स्टैम्प जैसे शब्द का इस्तेमाल करके सवाल ये निशान लगाए वो मुझे लगता उचित नहीं है। दूसरा भी केवल ढींगरा कह रहे थे, उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे अपनी जगह हो सकते हैं, होने चाहिए, राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन वो आम चुनाव के मुद्दे हैं। राष्ट्रपति चुनाव इन मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता, राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के नंबर गेम के आधार पर होता है, संख्या बल के आधार पर होता है और उसी आधार पर नतीजे निकलते हैं। अभी यशवंत सिन्हा जी भी कह रहे थे अंतरात्मा की आवाज, ये लोग ये शब्द भी हम लोग अक्सर जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें सुनते रहे हैं, और राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक बार अंतरात्मा की आवाज का असर सामने आया था, अगर आपके पास एक मिनट का समय हो तो मैं बता दूं। 1969 में कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको वो पसंद नहीं थे, उन्होंने अपना उम्मीदवार वीवी गिरी को बनाया, और देश के इतिहास में पहली बार और अभी तक के इतिहास में आखिरी बार ऐसा हुआ कि सत्तारूढ़ दल का अधिकृत उम्मीदवार
प्रधानमंत्री के अपने उम्मीदवार के मुकाबले चुनाव हार गया। ऐसा नहीं कि अंतरात्मा के आवाज में वोट नहीं हुआ है, लेकिन वो असाधारण परिस्थितियां थी। इस बार ऐसी परिस्थितियां कम से कम मुझे तो नजर नहीं आती। उनका नाम लिया राजकुमार जी, तो उसके बाद किस तरह से वो निर्विरोध चुने गए थे, आप जिक्र करें। जी जी, उसका नतीजा ये हुआ कि 1977 में जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई और उसकी जगह जनता पार्टी की सरकार ने ली, जिसे प्रचंड बहुमत मिला था, आपातकाल के खिलाफ जनादेश मिला था, और वीरेंद्र चौहान शायद अभी बताना भूल गए, उन्होंने बताया कि हमारे गठबंधन ने दो राष्ट्रपति दिए। अगर उनको याद हो, जनता पार्टी जो बनी थी उसमें तत्कालीन जनसंघ शामिल था, तो एक तरह से वो भी आप श्रेय ले सकते हैं कि हम उस गठबंधन का भी हिस्सा थे जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे। तो ऐसा नहीं कि अंतरात्मा की आवाज पर फैसले नहीं हुए हैं, वोट नहीं हुए, लेकिन एकदम असाधारण परिस्थितियों में हुए हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि जो सत्तारूढ़ दल बहुमत के साथ सत्ता में है उसका अधिकृत उम्मीदवार चुनाव हार जाए। राजकुमार जी, हर उम्मीदवार को जी। आपने नीलम संजीव रेड्डी जी का यहाँ पर नाम लिया, तो इससे मुझे एक चीज और समझ आई, याद आई कि जिस तरह से वो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड उन्होंने कहीं ना कहीं दर्ज कराया था, और इस बार अगर द्रौपदी मुर्मू बन जाती हैं राष्ट्रपति तो वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, राष्ट्रपति पद के चुनाव को, जो कि सब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, गरिमामय पद है, हमको दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, आप उम्मीदवार का चयन दलगत आधार पर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पद को सुनकर रखना चाहिए। और मैं पहले भी कहता हूँ, यशवंत सिन्हा में कोई कमी नहीं है, वो किसी भी पद के लिए सर्वथा योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बल आपके पास नहीं है तो क्या होगा? उसके बावजूद एनडीए ने जिनको उम्मीदवार चुना है उनके जो जीवन के सकारात्मक पहलू है उनको ध्यान में रखना चाहिए। रोक रही हूँ वीरेंद्र जी से, चौहान साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद दिलीप यशवर्धन जी के पास आऊंगी। सर, कम शब्दों में प्लीज, फिर दिलीप जी के पास भी जाना है। हाँ, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने जनसंघ या वो गठबंधन जिसको हम जनता पार्टी कहते थे, वो गठबंधन नहीं था, एक दल ही था, वो याद कराया मुझसे, वो वाला हिस्सा मैंने उसको रेफर नहीं किया था, मैं वर्तमान एनडीए की बात कर रहा था। आज लोकतंत्र बचाने की बात की है सिन्हा साहब ने, हो सकता है उनका मन लोकतंत्र को बचाने का हो, परंतु सवाल यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वे एक ऐसी पार्टी की गाड़ी में चढ़ गए हैं, ऐसी पार्टी के रथ पर सवार हो गए हैं जिसके न घर में लोकतंत्र है, पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है, वो एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है, और जिस पार्टी के माथे पर हिंदुस्तान के, स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान को खूंटी पर टांगकर इमरजेंसी लगाने, सारे संवैधानिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का कलंक लगा हुआ है, तो जो लोकतांत्रिक है नहीं, उनके सहारे पर कोई व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो और अपने आप को कहता हो और वो लोकतंत्र बचाने की बात करे, तो ये बात किसी को हजम नहीं हो सकती, ये किसी की अंतरात्मा की आवाज को जगा नहीं सकती। रही लोकतंत्र की बात, तो आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ जो लोग खड़े हैं, जो उनको जिताने जा रहे हैं, वे सब लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनमानस के, जनता के, जनमत के, जनादेश के प्रतिनिधि हैं, वे लोकतंत्र के प्रतीक हैं, और लोकतंत्र के ये सभी प्रतीक आज हमारे विधायक सांसद, हमारे सहयोगी विधायक सांसद, वे लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करने जा रहे हैं। अब बताइए, लोकतंत्र केवल तभी बचेगा जब केवल जी की पार्टी, जिसमें केवल परिवार बचा है, तंत्र नहीं बचा, लोक नहीं बचा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, ऐसा कहना, ऐसा कल्पना करना, ऐसा बयान देना, ये किस मायने में तर्कपूर्ण है? हमें गर्व है, हम ऐसे ऐसी प्रत्याशी दे रहे हैं, और हमने ऐसा नेतृत्व दिया है प्रधानमंत्री जी समेत देश को इस समय में, आजादी के अमृत वर्ष में, जो ज्यादातर साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, बिल्कुल साधारण साधारण परिवारों से आते हैं, जो अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी ईमानदारी के दम पर वहां तक पहुंचे हैं, और केवल जी की पार्टी और उनके गठजोड़ ने जो जो लोग दिए, वे परिवारों की कृपा से, एक परिवार की परिक्रमा का पुराण पढ़ते हुए वहां पहुंचे हैं, और एक परिवार को
करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को कांग्रेस बीजेपी की बातों पर रिएक्शन फिर आपसे सवाल लूंगा सर, पहले एक रिएक्शन फिर आपसे सवाल लूंगी जी। नहीं, रिएक्शन फॉर व्हाट? कांग्रेस को सुना आपने, बीजेपी को सुना सर, उनकी बातों पर एक रिएक्शन। मैं दोनों ही की बातों से पूर्णतः समर्थन नहीं रखता हूँ। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा कुछ और होती है और यहाँ वास्तव में लोकतंत्र से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लोकतंत्र वोट नहीं कर रहा है। और अगर मेरी इच्छा है कि यशवंत सिन्हा जी प्रेसिडेंट बने तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यानी कि लोकतंत्र अगर ये चाहता है कि यशवंत सिन्हा जी प्रेसिडेंट बने या कोई तीसरा प्रेसिडेंट बने, तो लोकतंत्र यहाँ चाह के भी वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो लोकतंत्र की चाहत है वो उन चुने हुए प्रतिनिधियों में निहित है जिनको उन्होंने चुनके संसद में या विधानसभा में भेजा है। अब वहां पर उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ लोकतंत्र की इच्छा नहीं चलेगी। यहाँ उन चुने हुए प्रतिनिधियों का, जो 750 प्लस सांसद हैं दोनों सभाओं के और 4000 प्लस MLA और MLCs हैं, ये जो भारत का लोकतंत्र है ये इन चुने हुए प्रतिनिधि के डिस्क्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो लोकतंत्र की ना तो जीत होगी ना ही हार होगी। जो लोकतंत्र के चुने हुए लोग लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बैठे हैं, उनकी इच्छाओं की जीत होगी और उनकी इच्छाओं की हार होगी। और जो जितने ज्यादा बहुतायत संख्या में है उसी की जीत होगी, जो कम संख्या में है वो हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो बराबर का नहीं है। जब जनतंत्र डायरेक्ट वोट करता है तो पूरे 140 करोड़ में जितने भी वोटर्स हैं वो वोटर्स बराबरी से किसी के भी हक में जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही पार्टी में कहीं सर, किसी भी पार्टी में कहीं भी जा सकते हैं। अगर वोट वैल्यू की बात करें तो क्या वोट प्रतिशत आपको लगता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 65.6% राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समर्थन में गया था, इस बार क्या लगता है 70% के आंकड़े तक पहुंच पाएगा? पहुंच जाएगा, मोर ऑर लेस उतना ही पहुंचेगा, क्योंकि उसका बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है सृष्टि जी। जिसके जितने ज्यादा MP और MLAs होंगे विधानसभा और लोकसभाओं में, उतने ही ज्यादा वोट उसके खाते में पड़ने। और मैंने कहा ना कि जो NDA है, NDA के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, MP हैं, MLA हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, MLCs हैं, वो सब के सब ऑलमोस्ट 100% NDA के फेवर में ही वोट करेंगे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रॉस वोटिंग कर दे। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में जो लोग UPA के थे वो भी NDA में आ गए हैं। अभी गोवा वाले में जो 6 विधायकों को लेकर के बहस चल रही थी, वहां 6 विधायक भी UPA को छोड़ करके NDA में शामिल हो गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे राजभर उत्तर प्रदेश में, जो पहले सपा के साथ थे या यूं कह लीजिए UPA के साथ थे, अब उन्होंने भी NDA के फेवर में अपनी बात कह दी है। तो इससे बहुत सारे लोग हैं जो NDA के हैं और NDA के फेवर में जा रहे हैं। UPA के होते हुए लोग भी UPA से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर NDA की जीत ऑलमोस्ट पक्की है, 99.99%, आई रिपीट। और फिर मैं कहूंगा कि यहाँ जनतंत्र से कोई मतलब नहीं है, ये जनतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जहाँ पर अपना उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ढींगरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ राज्यों की अगर बात करें, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगढ़ की, क्या यहां पर कांग्रेस को किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? और साथ ही जिस तरह से यशवर्धन जी ने कहा, कुछ तो तस्वीरें हमने अभी देख ली है, UPA के थे लेकिन समर्थन NDA को होता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? नहीं देखिए, कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई ये सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट में हो सकता है कि कोई NDA का UPA को भी डाल जाए वोट, तो ये कैसे आकलन हो जाएगा? और UPA वाला कोई NDA में डाल जाए तो ये भी आंकलन कैसे हो जाएगा? ये आदिवासी चेहरा है, लेकिन हर और पश्चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां इस पॉइंट पर बन सकती हैं, लगता है आपको? नहीं देखिए, हर आदमी अपनी पार्टी को वोट देना चाहता है, ये बात बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने, लेकिन जहां तक सीक्रेट बैलेट है तो अंतर आत्मा क्यों जागनी चाहिए? मैंने ये उदाहरण दिया था कि अंतर आत्मा इस बात पे भी जागनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो सर्वोच्च पद पे एक आदमी प्रेसिडेंट लगता है, वो अंतर आत्मा की आवाज भी उसको, वोट उसको देनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमारे देश की हालात को देखकर, आपको मैंने हालात बताई देश की, इस समय जो 8 साल का NDA का शासन है, जिससे देश में बहुत बुरी हालात में है, हम इस बात को समझना पड़ेगा। चाहे यशवर्धन जी हो, चाहे राजकुमार सिंह जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, ये समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र की बात जो दुहाई दे रहे थे, ये लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, इस समय लोकतंत्र बचा नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, लोकतंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया किसने?
कांग्रेस नहीं तो बनाया, जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कई सारी ऐसी धाराएं जोड़ रहे हैं जिससे पत्रकार खतरे में आते हैं, जिससे लोग खतरे में आते हैं, जिसके ऊपर कई चीजें कहते कुछ है करते कुछ है, कहने में कहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं लेकिन करने में क्या करते हैं, पत्रकारों को जेल में भेजते हैं यूएपीए लगा के। ये बात कही थी मैंने, जो देश के अंदर घट रहा है मैं उसकी बात कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उम्मीदवार जीतेगा या वो जीतेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, जो ये बीजेपी वाले एनडीए वाले कर रहे हैं, वो देश की हालात को खराब कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, 80 रुपए का डॉलर हो गया आज अमेरिकन उसके डॉलर के हिसाब से, हमारे देश के अंदर स्थितियां बिगड़ रही है, मैं ये बात कह रहा हूँ। ढींगरा साहब आवाज मिल रही है आपको? जी सर आवाज मिल रही है आपको? जी सर आपकी बातों से मेरा एक सवाल निकल कर आया है। आप कह रहे हैं देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए कई जो दल हैं, कई जो विधायक हैं, वो अंतरात्मा के हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग भी इसमें हो सकती है। पर सर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो कुछ इस तरह की हैं कि जो बीजेपी के एनडीए के विपक्षी दल हैं वो खुद एनडीए को वोट कर रहे हैं, तो क्या वो देश के हालातों को देखते हुए इस तरह से अपने वोट को बदल रहे हैं कि वो किस कौन से उम्मीदवार को वोट करेंगे? देखिए मैं किसी के अंदर नहीं घुसा हुआ, मैं तो एक बात कर रहा हूं कि जो होना चाहिए, जो इस समय लोगों को समझना चाहिए, एमपी एमएलए कोई वो भी लोग ही हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से अगर सीक्रेट बैलेट है, अंतरात्मा से अगर वोट करते हैं तो हो सकता है, और अंतरात्मा से नहीं वोट करते, सब अपने अपने दल से करते हैं, क्योंकि यूपीए है, यूपीए चाहेगा कि अपने जो हमारा उम्मीदवार है उसको वोट पड़े, एनडीए चाहेगा हमारे उम्मीदवार को वोट पड़े, तो अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर उसी हिसाब से फैसला हो जाएगा। वीरेन जी लेकिन हमारे देश की तरफ भी देखना चाहिए जो हालात है इस समय। सृष्टि जी देखिए, सृष्टि जी अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है और आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतदाता, विधायक, सांसद, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में दूसरे गठजोड़ के दरवाजे आंगन से निकलकर मतदान करते हुए दिख रहे हैं। तो अंतरात्मा की आवाज तो काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस के खिलाफ जा रही है, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी के हरियाणा में अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ गई थी। ये देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है जो हाल हो रहा है देश का। अपनी बारे में आप अपनी बारे में बोल लेना ना, केवल ढींगड़ा मैं आपकी बारे में नहीं बोला था, कृपया सुने। यहां पर जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं, तो उसी लोकतंत्र का तकाजा ये भी है कि अलग अलग चुनावों, अलग अलग मंचों, मोर्चों, इदारों में समाज के सब वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, ये भी लोकतंत्र की एक परिभाषा है, ये भी लोकतंत्र का एक तकाजा है। तो आज जब हमने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, तो जब हम प्रत्याशी तय कर रहे थे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का यह तकाजा हमारे नेतृत्व के सामने था कि ऐसा क्यों हुआ कि 75 साल के स्वतंत्र भारत में एक भी आदिवासी, जनजाति या वनवासी क्षेत्र के में निवास करने वाली या उस समुदाय समाज से आने वाले व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया नहीं जा सका। इसमें से अधिकांश समय, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में रही, तो इस बारे में सवाल अगर पूछा जाना है क्यों नहीं पहुंचाया, तो इनसे बनता है, और क्योंकि इन्होंने उत्तर समय पर नहीं दिया तो हमने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक उत्तर देश की स्वाधीनता के अमृत वर्ष में, अमृत काल में ये दिया है, समाज के वंचित तबके का प्रतिनिधित्व करते हुए, करवाते हुए, और एक प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि ये प्रजातंत्र के प्रति हमारे पूर्वजों के संकल्प की प्रतिपूर्ति है। एक और बात इन्होंने कही कि संविधान कांग्रेस ने बनाया, देखिए ये गैर प्रजातांत्रिक बात है,
सब जानते हैं, संविधान को जानने वाले भी जानते हैं, मानने वाले भी जानते हैं, ना मानने वाले भी जानते हैं कि देश का संविधान कांग्रेस ने नहीं, देश की संविधान सभा ने बनाया। उसमें कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कोई ये डींग हा के कोई केवल ढींगड़ा के कांग्रेस ने बनाया तो ऐसा करके वो फिर प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि संविधान में धाराएं जोड़कर संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं आपको और आपके दर्शकों को याद कराना चाहूंगा और ढींगड़ा जी को भी याद कराना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रूपरेखा बनाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में जिस संविधान सभा ने संविधान को रूप दिया, वर्तमान या जो कहिए मौलिक रूप दिया, उस संविधान को हमारे सत्ता में आने से पहले दर्जनों बार आप लोग संशोधित कर चुके थे। उस संविधान में आपके नेतृत्व ने संसद को विश्वास में लिए बिना 35 ए नामक एक अनुच्छेद चोरी छिपे जोड़ दिया था, देश को पता भी नहीं लगने दिया था, जो जम्मू कश्मीर और भारत के शेष भारत के संपूर्ण अधिमिलन में बाधा पैदा करता था, संकट पैदा करता था, अलगाव का रास्ता तैयार करता था। तो जिन्होंने चोरी छिपे संविधान में कुछ जोड़ा, जिन्होंने संविधान में अनावश्यक रूप से इमरजेंसी का दुरुपयोग करते हुए पंथ निरपेक्षता की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को ठूस दिया, वे लोग अगर कहें कि संविधान हम तोड़ रहे हैं तो उन पर हंसी आती है, उन पर हंसा ही जा सकता है, उनकी जानकारी और संविधान की समझ पर सवाल ही खड़े किए जा सकते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, अंतरात्मा की आवाज पर इस चुनाव में बहुत लोग मतदान करेंगे और जो लोग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करके उनको जिताने जा रहे हैं वो केवल अंतरात्मा की आवाज नहीं, वो जनता की आवाज भी है। दिलीप जी के एक टिप्पणी का दो वाक्यों में उत्तर ये है कि दिलीप जी, जब हम संसद चुनते हैं, लोकसभा चुनते हैं, विधानसभा चुनते हैं, पंचायतें चुनते हैं तो सीधा प्रजातंत्र होता है, परंतु जब अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनते हैं, उपराष्ट्रपति चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, प्रजातंत्र और लोकतंत्र वो भी होता है, भावनाएं प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त होती हैं, तो उसको भी सिरे से यूं नहीं कह सकते कि इसका प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं है। प्रजातंत्र वो भी है, प्रजातंत्र ये भी है। इस जी दिलीप यशवर्धन जी, अंतरात्मा की आवाज सुनने का ही नतीजा है क्या कि द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष की एकता जो है वो बिखर रही है? हम उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की बात कर लें या उद्धव ठाकरे के गुट के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ही क्यों ना एग्जांपल ले लें। नहीं देखिए, अंतरात्मा की आवाज नहीं है, अंतरात्मा की आवाज उनकी हो सकती है जो पार्टी जिस पार्टी ने इस कैंडिडेट को रेफर किया है या उन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो चुने हुए विधायक और एमएलए और एमएलसी हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज जरूर हो सकती है, बट ये जनता की अंतरात्मा की आवाज नहीं कहलाएगी। मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात से समर्थन नहीं रखता हूँ। नहीं, और मेरा सवाल विपक्षी एकता जो बिखर रही है सर, उस पर था कि अंतरात्मा की आवाज ही है क्या कि विपक्षी एकता बिखरती नजर आ रही है? हमने देखा उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर और उनके 6 विधायक उद्धव ठाकरे के गुट ने महाराष्ट्र में मुर्मू को समर्थन की बात कह दी है। सृष्टि जी, इस देश का एक पॉलिटिकल ट्रेंड रहा है कि यहाँ समर्थन हमेशा उसके समर्थन में जुटता है जो सत्ता में होता है, और जो कमजोर होता है वो हमेशा टूटता है और उसको तोड़ा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे राजनीति की इस देश की, तो हमेशा यही रहा है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस इसी तरीके से पूरी मजबूती के साथ इस देश में जमी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी और इनके सहायक दल उनको हटाना चाहते थे लेकिन वो टूट जाते थे। ये पॉलिटिकल ट्रेंड रहा है, आने वाले समय में फिर ऐसा समय पलटेगा जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी और कोई और पार्टी, हो सकता है कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद फिर ये ट्रेंड पलटेगा। तो ये ट्रेंड किसी पार्टी का नहीं है, ये पॉलिटिक्स का ट्रेंड है और ये पॉलिटिक्स का ट्रेंड एक साइकिल है, ये चलती ही रहती है। तो यहाँ पर जो हारे हुए लोग हैं या जो कमजोर लोग हैं उनका मनोबल टूटता है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति है वो राजनीतिक लाभ चाहता है और राजनीतिक लाभ समाज सेवा या देश सेवा के लिए नहीं चाहता है, जो फैक्ट है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के नाते राजनीतिक लाभ चाहता है,
और उसको पता है कि राजनीतिक लाभ जो है वो हमेशा सत्ता दे सकती है, विपक्ष नहीं दे सकता है, यह मजबूत दे सकता है, कमजोर नहीं दे सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर तो यही वजह है क्या कि यशवंत सिन्हा की तरफ से किए गए तमाम प्रयास कहीं ना कहीं क्या फेल साबित हो रहे हैं? उन्होंने ये तक कह दिया था कि ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो नहीं होगा अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, लॉ में एक वर्ड कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरू से ही जो चीज इलीगल हो, तो इलीगल से यहाँ मतलब इलीगल नहीं है। यहाँ पर यशवंत सिन्हा जी का जो प्रयास है वो शुरुआत से एब इनिशियो यानी कि निरर्थक है, क्योंकि उनको भी पता था कि वो ऐसे कैंडिडेट खड़े तो हैं, और यहाँ पर वो कन्विंस किसको करेंगे। मैंने कहा ना कि अगर डायरेक्ट जनता इलेक्शन करती तो हो सकता है जनता को वो किन्हीं मुद्दों पर मोटिवेट करके अपनी तरफ मोल्ड कर लेते, लेकिन यहाँ जनता से तो मतलब है नहीं, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों से मतलब है, और चुने हुए प्रतिनिधि हमेशा सत्ता के फेवर में जाते हैं। अगर इस देश में बहुतायत स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार होती या उनके घटकों की सरकार होती तो हो सकता है यशवंत सिन्हा जी की अपील आज रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। और जहां ये है ये वहां से भी घटते चले जा रहे हैं, वहां से भी टूटते चले जा रहे हैं। तो ये सिंपल सा राजनीति का फंडा है कि जो ताकतवर है उसकी ताकत हमेशा बढ़ती जाती है और जो कमजोर है वो और कमजोर होता चला। और राजकुमार जी, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एनडीए ने अपनी तरफ से उतारा इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी तक ने कह दिया था कि अगर एनडीए का चेहरा, जो उम्मीदवार का चेहरा है, वो हमें पहले पता होता तो हम विचार कर सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखे जैसे आप बात कर रहे थे के विपक्ष की एकता जो टूट रही है उसके दो अलग अलग कारण है। एक कारण जैसा भी बात हुई राजनीतिक है, महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ, नाटकीय तरीके से सत्ता बदल गई, एक शिवसेना टूट गई, बड़ा घटक बाहर चला गया और आज वो एनडीए के साथ है। लेकिन बीजू जनता दल ने जिस तरह से समर्थन किया, वाईएसआर कांग्रेस ने जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया, उसका कारण विशुद्ध राजनीतिक और सामाजिक दबाव है। तीसरा और स्पष्ट तौर पर देखें, झारखंड में जहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार है, उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने को मजबूर है, क्योंकि उस पर सामाजिक दबाव है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, तो आप एक आदिवासी उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए नहीं दिख सकते। तो उम्मीदवार का चयन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बात सही है कि जो बहुमत, जो वोट वैल्यू का आंकड़ा है, लगभग 4,800 सांसद विधायक हैं देश में जिनकी वोट वैल्यू 10,86,000 के आसपास बैठती है, उसका आंकड़ा जब से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी घोषित हुई है लगातार एनडीए के पक्ष में झुकता गया है, वो सिलसिला आज तक जारी है। तो इसके राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक दबाव भी है और उम्मीदवार का चयन बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ढींगरा साहब, सॉरी सर, देर से आई हूं आपके पास, फाइनल कॉमेंट आपसे ही लूंगी। जी देखिए, मैं फिर कहता चाहता हूँ, मेरी अपील है पूरे देश से, सब लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, जो हमारे देश के हालात है उसको सुनना चाहिए और फिर वोट करना चाहिए। ये ठीक है क्योंकि ये सर्वोच्च पद है। बाकी देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसमें, लेकिन जो जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, जो चुने हुए लोग हैं, चाहे एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने वोट करना है तो वो अपने हिसाब से सोचे कि हमारा देश किधर को जा रहा है, और अगर अगर हमारा देश उनको सही दिशा में जाना लगता है तो फिर उनको वोट कर देनी चाहिए जिस हिसाब से भी वो सोच रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के हालातों के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह वोट करना है। ढींगरा साहब, यूपीए की तरफ से और बेहतर चेहरा उतारा जा सकता था क्या? जी जी सृष्टि, नहीं नहीं, दोनों बेहतर चेहरे हैं, उन्होंने अपने तरीके से सोचा एनडीए ने, और यूपीए ने अपने तरीके से सोचा, दोनों चेहरे बेहतर हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा जी जो फाइनेंस को भी जानते हैं, सारे सिस्टम को भी जानते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी चीज को समझ रखते हैं, वो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकते हैं। ठीक है ढींगरा साहब, चौहान साहब देखिए, ये चुनाव इसमें जो हमने प्रत्याशी उतारी हैं वे सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक हैं, न्यू इंडिया की भावना की अभिव्यक्ति उनके कैंडिडेचर में होती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो सिद्धांत लेकर के केंद्र की हमारी सरकार और हमारा गठबंधन काम कर रहा है उसकी अभिव्यक्ति उनके कैंडिडेचर में होती है। और दिलीप जी से मैं ये कहूंगा, क्योंकि इस चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधियों को ही मतदान करना है और वे चुने हुए प्रतिनिधि सांसद विधायक
आज जनता के दम पर भारत में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथ हैं, और तो और हमारे गठबंधन से बाहर के जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र की जनाकांक्षाओं के अनुरूप हमारे साथ खड़े हैं। तो आइए दिलीप जी मिलकर कहें, अप्रत्यक्ष ही सही ये देश की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है कि देश के राष्ट्रपति पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अगले 5 वर्ष तक सुशोभित हों और वे दमदार ढंग से देश के संविधान की रक्षा करते हुए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करें जो उनके कंधे पर आज के निर्वाचन के बाद आने वाले हैं। ये प्रजातंत्र का ही एक पर्व है, प्रजातंत्र की ही जीत है, द्रौपदी जी जीत कर आई। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज वोटिंग हो रही है, सुबह 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति चुनने के लिए तमाम विधायक तमाम सांसद आज अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्द ही नतीजे भी इसके सामने आ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि